नमस्कार दर्शकों, मैं हूं विनोद जूनियर। खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कृषि के ऊपर। कृषि किस तरह से आगरा में की जाए, क्योंकि आगरा में तमाम ब्लॉक ऐसे हैं जो डार्क जोन में घोषित हो गए हैं। लगभग एक या दो बचे होंगे, बाकी सभी ब्लॉक नदी की डार्क जोन में है। डार्क जोन का मतलब पानी नहीं है, दिनों दिन कई फुट पानी नीचे चला जा रहा है, बोरिंग हो नहीं रही है। सरकार ने बोरिंग करना, यानी कि आगरा प्रशासन ने बोरिंग करना मना कर दिया है कि उनकी सरकारी बोरिंग नहीं होगी। अब आखिर ऐसे में किसान फसल कैसे उगाएंगे? नहरों की समस्या बहुत ज़्यादा है, सफाई नहीं होती है या पानी नहीं आता है। तो हमारे साथ इस टॉपिक को बात करने के लिए तीन मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। सबसे पहले हम आपको बुलवाते हैं राजीव सक्सेना जी से। सक्सेना साहब, आपका स्वागत है स्टूडियो में आने के लिए। आप जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं। इसके साथ हमारे साथ उप निदेशक कृषि मौजूद हैं पुरुषोत्तम जी। पुरुषोत्तम मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, राजेंद्र सिंह चौहान जी, कृषि वैज्ञानिक, आपका भी स्वागत है। अब आपको बता दें कि ये सभी लोग विशेषज्ञ हैं और ये आज तमाम जो जनता चैनल देख रही है उन तक हमारी बात पहुंचाएंगे। बात करेंगे हम चौहान साहब से। चौहान साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है इस समय? जनाब, उसमें हम पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं और हमारा बफर स्टॉक भी काफ़ी भरा हुआ है। तो मैं किसानों को विश्वास दिलाऊंगा कि दिलाता हूँ कि बीज उर्वरक की कोई समस्या नहीं आएगी। सिंचाई की बात है, हमारी एक योजना खेत तालाब की योजना चल रही है, जैसा कि आप बता रहे हैं पानी संरक्षण की हमें बहुत ज़रूरत है। सरकार की एक अमृत सरोवर की योजना भी है, जिसमें प्रत्येक राजस्व गांव में दो तालाब बनने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आगरा की जो स्थिति है, हम जल ग्राउंड वाटर का बहुत यूज नहीं कर सकते। अब हम अगर हम ग्राउंड वाटर का यूज करेंगे तो एक हमारे पास अंतिम घातक कदम होगा कि पानी हमारा नीचे जाता जाएगा, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए हम देख रहे हैं अपना छादन भी, हमारा वृक्षारोपण अभियान जो होता है उसके भी पूरी तरह से सफल ना होने पर कारण एक जल का बहुत नीचे चला जाना है। हम पेड़ लगाते हैं, हम कुछ दिन पानी दे सकते हैं, बट उसके बाद तो पानी जो है ज़मीन से उसको नहीं मिलता तो सूख जाते पौधे। इसका भी एक कारण है ये कि जो नए पौधे हो तो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये है कि तालाब खेत का पानी खेत में, और मेढ़बंदी हम करवाते हैं किसानों से, कहते हैं सलाह देते हैं खेत का पानी खेत में, गाँव का पानी गाँव में। और उससे हमारा दो फायदे होते हैं, एक तो हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, दूसरा उस पानी का सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं। हम पानी बचाने के लिए लघु सिंचाई में जो हमारे ड्रिप और स्प्रिंकलर का हम भी किसानों को बताते हैं, जिसके आप ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर का उपयोग करें, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या आती है जनपद का पानी खारा होने की, जिसके कारण क्या होता है ड्रिप के नोजल कई बार ब्लॉक हो जाते हैं। उसलिए हम अगर हम ड्रिप और स्प्रिंकलर बहुत कम पानी जरूरत से तालाब का पानी यूज करें तो उसके काफ़ी अच्छे परिणाम आ सकते हैं। उसकी भी हमारा बारिश के पानी की बात हो गई, बारिश के पानी की बात, बारिश पानी अगर हम उसको जो है रखते हैं तो उसके बाद। चौहान साहब जी, सर अभी जो हम बात कर रहे हैं कृषि को लेकर, वो 57 या उससे पहले की बारे में हम बात कर रहे हैं, उसी पे हम आज भी पैटर्न पे हैं। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, कुछ यंत्र आए हो, कुछ कृषि योग्य यंत्र आए हो नए, बैलों की जगह जो है अब कृषि जो है ट्रैक्टर होने लग गई। तमाम ऐसे प्रदेश अभी भी हैं जो अभी भी बैलों से खेती करते होंगे अभी। तो इस पोजीशन में आप कहाँ अपने आप को पा रहे हैं आगरा को, या यूपी को कहाँ पा रहे हैं आगरा को? देखिए, आगरा जो जनपद है उसमें जो आज खेती कर रहा है किसान, हम पहले बात किया करते थे कि हमारी जो खेती है वो परंपरागत विधि के द्वारा हम खेती कर रहे हैं। उसके बाद में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टिकाऊ खेती की बात होने लगी, उसके बाद में ऑर्गेनिक खेती की बात होने लगी, और आज आप देखेंगे कि हम लोग जो है नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं। तो उसके पीछे कारण यही है कि धीरे धीरे जो हमारी खेती है वो बदलती जा रही है, उसमें लगातार चेंजेस आते जा रहे हैं। और जहाँ तक जो प्रमुख घटक है, जैसे अभी डीडी साहब ने बताया कि जो प्रमुख घटक है खेती के लिए वो हमारा पानी है, और सारी व्यवस्थाएं किसान भाई अपना कर लेते हैं, लेकिन पानी की जो समस्या है वो सबसे बड़ी इस क्षेत्र में खड़ी हो गई है। और चूंकि अब हमारा बाजरा का सीज़न आ रहा है, हमारा जो खरीफ का सीज़न है वो हो रहा है, तो बाजरा जो है पूरी तरीके से वर्षा आधारित खेती है हमारी। और आप लोगों ने ये देखा होगा कि किसान भाइयों को थोड़ा सा हम लोगों ने जो जानकारी उपलब्ध कराई है कि आप शीघ्र से शीघ्र जो गर्मी की गहरी जुताई है वो करें, ताकि जो डीडी साहब ने अभी ये बताया था कि खेत का पानी खेत में रहे। हम लोगों के यहाँ क्या देखने में आ रहा है कि जो एक लेयर है वो खेत के अंदर बन चुकी है, जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनकी वजह से। और पुराने टाइम में जो खेती किया करते थे उसमें और आज की खेती में बहुत ज़्यादा बड़ा परिवर्तन आ गया है। वो हमारी ऑर्गेनिक बेस्ड होती थी, हमारे किसान भाई हमेशा जो है गोबर की खाद का प्रयोग किया करते थे, वो सारा टोटली बंद कर दिया है। और अगर पूरी केमिकल आधारित अगर हमारी खेती हो जाएगी तो क्या होगा, एक लेयर नीचे जो खेत है उसे एक 1.5 फुट नीचे एक लेयर बन गई है केमिकल्स की,
जिसकी वजह से खेत का पानी खेत में नहीं रहता और वो बह जाता है। तो अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा क्षेत्र है आपका खेरागढ़ और खेरागढ़ के आसपास फतेहपुर सीकरी खेरागढ़ और यह हमारा ये अरदाया जो क्षेत्र पड़ता है, तो यहाँ आपने ये देखा होगा कि धान की खेती किसान भाई कर रहे हैं और धान की खेती में आपने ये पाया कि वो अमूमन क्या करते हैं कि खेत में आग लगा देते हैं अपने खेत में धान की पराली को जलाने के लिए, जिसकी वजह से जो एक लेयर है वो बिल्कुल हार्ड नीचे बनती जा रही है, मिट्टी पूरी तरीके से हमारी समाप्त होती जा रही है, मिट्टी की जो उर्वर क्षमता है वो समाप्त होती जा रही है। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा एक योजना भी है, फसल अवशेष योजना, फसल अवशेष प्रबंधन योजना भी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से चलाई गई, जिसमें 350 एकड़ क्षेत्रफल में हम लोगों ने ट्रायल भी लगाए। तो ये जो समस्याएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं और नई तकनीकी कितनी आ रही है, आपने ये देखा होगा कि पहले हैरो कल्टीवेटर पे आधारित खेती होती थी, आज हम रोटावेटर का यूज़ कर रहे हैं। तो रोटावेटर की जो डेप्थ है, जहाँ तक रोटावेटर चलता है वहाँ तक तो वो मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, लेकिन उसके नीचे की जो लेयर है बिल्कुल हार्ड कर देता है उस लेयर को, उसमें पानी रुकने की या खेत में पानी रोकने की बिल्कुल भी कोई क्षमता नहीं रहती है। तो नई तकनीकें बहुत सारी आ रही हैं, अब ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई, कृषि विज्ञान केंद्र के पास भी शीघ्र ही ड्रोन आने वाला है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग तभी संभव है जब हमारे खेत अच्छे हों, भूमि हमारी अच्छी हो, मृदा हमारी अच्छी हो, उसके अंदर हम कम से कम केमिकल्स का प्रयोग करें और थोड़ा सा नेचुरल फार्मिंग की तरफ हमारे किसान भाई अगर बढ़ेंगे तो उन्हें लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर नेचुरल फार्मिंग होगी तो केचुए की जो मात्रा है, जो हमारी पूरी तरीके से नष्ट हो गई है, वो मात्रा धीरे धीरे बढ़ेगी और केचुआ एक जमी ऊपर से लेकर के ऊपर की लेयर से लेकर के 10 फुट तक पोरस बना देता है। और आप ये पाएंगे कि जो मिट्टी है हमारी, उसके अगर पेट से होकर के गुजर जाती है तो उसका एरेशन और उसके अंदर जो 17 तत्व हमें, हम लोगों को जो चाहिए, वो पूरे के पूरे हमारे जो मिट्टी है उसमें मिल जाते हैं। नहीं नहीं, मैं इसी केंचुए पे आने वाला था, लेकिन आपने पहले बोल दिया, सारी चीज़ें बता दी हैं, तो कुछ ही ध्यान आ गई। सक्सेना जी, सबसे पहले जो अभी बात हुई थी आपसे, सबसे पहले फिर उसी पर लौट रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, उसी चीज़ को बात करनी है। कहाँ पाते हैं आप आगरा को? देखिए, आगरा के बारे में जब आप इरिगेशन की बात करते हैं, पानी के बारे में बात करते हैं, तो आपको 3 आदमियों के बारे में जरूर जानना चाहिए। एक ग्रिथार्ड है, जिन्होंने यमुना कैनाल, जो आगरा कैनाल के नाम से प्रचलित है, उन्होंने बनाई और ओखला से लेके आगरा तक उन्होंने बनाया सिस्टम। इससे 2 ब्रांचें निकलती हैं, FS ब्रांच सबको मालूम है, दूसरी टर्मिनल रजवा और TC ये सिकंदर रजवा और आपका कीठम एस्केप, ये 3 इससे निकलती हैं। दूसरा जो सिस्टम है वो आपके गंगा कैनाल सिस्टम का है, अपर गंगा कैनाल सिस्टम से माट ब्रांच निकलती है। माट ब्रांच 2 भागों में विभक्त होती है, एक तो धिंगेटा रजवा और दूसरा आपका बलदेव रजवा। तो ये यमुना पार के रजवा हैं और ये बहुत बड़ा इरिगेशन का रकबा कवर करते हैं। हम लोगों ने ना इधर की नहरें मेंटेन करी ना उधर की नहरें मेंटेन की। जब किसान मांग करता है डिस्चार्ज शुरू हो, पानी चाहिए, तो ये इनके बाकायदा वेल मैनेज कभी कमांड एरिया थे, आपके आगरा शहर तक में आते थे। आपके जो पार्क बड़े बड़े हैं वो इरिगेटेड थे कैनाल के पानी से। अब हमने इन्हें मेंटेन नहीं रखा, इनकी क्षमताओं को आपने ध्यान नहीं दिया, इनके इरिगेशन के रकबे को छोटा करते गए और ये एक तमाशा बन के रह गए। इसका कारण है कि हमारे यहाँ रिचार्ज सिस्टम पूरा ख़त्म हो गया। ये इरिगेशन से ज़्यादा ये कैनाल सिस्टम भूमिगत जल के रिचार्ज से जुड़ा हुआ था। आप आश्चर्य करें कि हमने ताजमहल को के पार्कों को भी इरिगेशन करने वाले पार्क माइनर तक को नहीं छोड़ा, उसे भी बंद करे बैठे हैं और हम पेड़ लगाए जा रहे हैं, जबकि वहाँ सेकेंड स्टेटा का भी पानी नहीं रहा है। तो मैं ये सोचता हूँ कि इन जो कैनाल सिस्टम है इसको ठीक करना चाहिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे यहाँ 100 किलोमीटर से ज़्यादा बहने वाला जो सिस्टम है वो है उटंगन का, उटंगन नदी का है, और इसकी सहायक नदी है खारी नदी। खारी नदी का हेड है आपके 13 मोरी बांध पे। 13 मोरी बांध में एक बूंद पानी आता नहीं है। जब किसी नदी का हेड सूखा होगा तो नदी कैसे बहेगी? और मेरी जानकारी में आया है उस पर जगह जगह इसके रोके भी लगा रहे हैं ये लोग,
जब पानी नहीं है हेड पे, और हेड पे पानी क्यों नहीं है? ब्रजेंद्र सिंह बैराज जो डिस्ट्रिक्ट भरतपुर में पड़ता है, वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल जो डिस्चार्ज पॉइंट था उसे बिल्कुल सैलूस गेटों को सील कर रखा है, जब एक बूंद पानी आएगा नहीं। अब ये तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार में बात होनी चाहिए कि आपने पानी रोका क्यों हुआ है, हैं? और आज तक कभी भी इस मामले में बात नहीं हुई है। इंस्पेक्शन होना चाहिए, ये कहाँ रुका हुआ है, हैं? जब पानी आएगा 13 मोरी भरेगा तो ये खारी नदी चलेगी। ऐसे ही उटंगन नदी के संग भी अत्याचार है, ये राजस्थान के टेल पर है, हैं? इसका एक डिस्चार्ज पॉइंट है वाकोली हेडवर्क, दूसरा है खनुआ डैम, इन दोनों के बीच करीब 7 किलोमीटर का पूरा एरिया है जहाँ कभी जलाशय रहा होगा, आज भी गेटेड स्ट्रक्चर्स दोनों के मौजूद हैं, इनमें सिल्ट भरी हुई है, इनमें डिसिल्टेशन होना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश सरकार की इसलिए चिंता नहीं है कि ये राजस्थान सीमा में आता है, और राजस्थान को इसलिए चिंता नहीं है कि ये उसके टेल पर जाता है, उसकी इरीगेशन को फायदा नहीं है, जबकि फायदा ये जरूर है, दोनों को ही है, अंडरग्राउंड वाटर अब रिचार्ज होगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं सीमा विवाद नहीं, नेग्लिजेंसी, क्योंकि हाँ। जो आगरा और भरतपुर का है फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन, ये मिला जुला प्लान है, इनको अगर आप पुराने कागज देखेंगे तो ये सारे कागज मिल जाएंगे। पहले शायद हर फाइनेंशियल ईयर और एग्रीकल्चर ईयर में एक मीटिंग दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस की होती थी, और पहले तो ये इरिगेशन पे रेवेन्यू भी हम लोग सरकारें कमाती थी, तो इसलिए रेवेन्यू शेयरिंग पे भी बात होती थी, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये देखना चाहिए। सक्सेना साहब देखिए, आप पूरी हिस्ट्री आप बता रहे हैं। नहीं मैं हिस्ट्री नहीं, और, ये नहीं, नहीं, आज की जरूरत बता हाँ, रहा हूँ। दूसरा ये है जी कि जैसे कि लगभग 50 लाख की आबादी शहर देहात मिलाकर के हो गई आगरा की, ओके, और 283,363 हेक्टेयर जमीन जो है वो कृषि योग्य कृषि विभाग ने घोषित की है, जी जी, जिसमें लगभग 269,000 के आसपास कृषि होती है, जिसमें पेड़ पौधे भी हैं, फल फ्रूट वाले भी हैं, कृषि भी है, तमाम चीज़ें उगाई जाती हैं। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 15 ब्लॉक जो है वो डार्क जोन में आ गए, एक दो को छोड़कर, जी, तो क्या अकबर के शासनकाल का इंतजार कर रहे हैं हम लोग कि उजड़ जाएगा आगरा? आपको माइक्रो मैपिंग करानी चाहिए वाटर रिसोर्सेज की, और कल्पना करके नहीं करना चाहिए, एक पूर्व सरकार में आदर्श तालाब योजना लागू हुई थी, और गांव-गांव में आदर्श तालाब के नाम पे करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया। आपका भी कार्यकाल रहा है, वो तो जगह जगह खोदे गए हाँ। और आज तालाबों के दर्शन नहीं है, नहीं। सबसे पहले तो आप तालाब वहां बनाइए जहाँ कैचमेंट एरिया हो, तालाब भर जाए। आप आगरा में शायद 120 या 22 तालाब तो इरिगेशन डिपार्टमेंट अपनी नहरों के गूल से भरता है, हैं? भरता है। पर हमें ज्यादातर तालाबों का कैचमेंट एरिया डेवलप करना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ना कि ये कि हमने तालाब बना दिया, चारों तरफ मेड़ बना दी और तालाब का सोर्स ही नहीं है, या गंदा पानी आ रहा है, तो अब तो साइंस मौजूद है, गंदा पानी भी आ रहा है। दूसरा ये कि गर्मियों के दिनों में पानी उसमें रह ही नहीं पाता। नहीं मैं बता रहा हूँ, नहीं पानी रुकता ही नहीं है। दूसरी चीज ये बड़ी बॉडी बनाइए आप, क्यों नहीं आप 16 करोड़ घन मीटर पानी आप ऐसा रोकना चाहते हैं, आप क्यों नहीं 4.5 करोड़ मीटर घो रोकना चाहते हैं, और क्यों नहीं खनुआ बांध को और बाकोली का डीसेटिंग करा के वहां रेगुलेट करना चाहते हैं पानी? नहीं तो यहां तो तमाम एक और बता रहा हूं आपको, चिकसाना डैम है जो शायद 1977 में बाढ़ आने के समय गड़बड़ा गया था, वो हैवी रेनिंग की वजह से भरतपुर और आगरा की सीमा पे है, और वहाँ आज भी भरतपुर का ओवरफ्लो रेगुलर आता है और अनवांटेडली चला जाता है। तो इसमें इनको रोकना चाहिए, इसमें बात करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन बात करेगा या फिर राजनीतिक लोग बात करेंगे, सहभागिता ज्यादा है? देखिए उनका तो काम है इम्प्लीमेंट कराना काम को, लेकिन उस इम्प्लीमेंट को कराने के लिए किसी को तो कहना होगा। अब उसका जो जनप्रतिनिधि है, जो जनप्रतिनिधित्व कर रहा है इस समाज का, जी, जिसको जनता ने बहुमत दिया, सारी चीजें जी है, चाहे किसी का भी हो, जी, मैं किसी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, तो उनको मुझे लगता है कि क्या वहाँ जरूरत है, उनको विल पावर की जरूरत है वहाँ कहने की? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कई जगह उदयभान जी जब मंत्री थे उन्हें ले जा चुका, उससे पहले और लोगों को ले जा चुका, वो पानी की के मर्म को समझते हैं, उनका क्षेत्र रहा है, राजकुमार चौहान जी से भी बात हुई, डिटेल है काफी चीजें। अब आप अच्छा एक चीज छोटी बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश में 37 से 37 के लगभग बंदियां कहाँ होंगी? हमारे यहाँ जगनेर ब्लॉक में हैं,
हैं। एक जगह है नगला बिहारी, जहाँ पे आप गए भी होंगे, जहाँ से साइकिल ट्रैक होके गुजरता है, वहाँ से आपका टर्मिनल रजवा 100 किलोमीटर बह के उसकी टेल है। बिल्कुल। और मानसून काल में उसमें सरप्लस पानी आता है, और ये 40-42 जो बंदियाँ हैं इनका भी पानी ये नगला बिहारी होके उटंगन होके जाता है। हमारा ये कहना है कि उटंगन के डाउन में एक डैम बना दीजिए, एक जगह नहीं दो जगह, क्योंकि पार्वती नदी का भी इनफ्लो यहाँ आता है, इसे दो जगह रोक लीजिए, आपके फतेहाबाद को भी पानी मिल जाएगा। और आप चंबल से आगरा को पानी की बात करते हैं, क्योंकि कई करोड़ घन मीटर पानी है यहाँ पे रिजर्वायर है, वजह से बचा हुआ नहीं तो वो भी डाल। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ये आप बताएं बचाएंगे नहीं, आप छोटे छोटे तालाब बना के तमाशे करेंगे, इसकी जगह जो बल्क वाटर बॉडी है जो रिचार्ज कराएं, जो सेकंड स्टेटा को है तो वो करें। दूसरी चीज, एक्वाफायर का आधार पर जब मैपिंग हो गई है तो उसको आप अवेलेबल कराइए पब्लिक को, हमारे अधिकारी डिसीजन ले सकें कि कहाँ से पानी रिचार्ज होगा, कहाँ जाएगा। पुरुषोत्तम जी, जी सर, जब मानक ये कह रहा है, जब पूरा ये स्टडी है कि पूरे पृथ्वी पर तीन हिस्सा पानी है, एक हिस्सा केवल जमीन है जिसमें कुछ एरिया में इंसानों की बसावट है, बाकी वन क्षेत्र है और बाकी कुछ पहाड़ हैं, कुछ रेगिस्तान है, इस तरह से बसे हुए हैं। अब ये बताइए कि केवल पीने के पानी के स्रोत तो हम ढूंढ रहे हैं लगातार, लेकिन जो कृषि करने का जो स्रोत है पानी का, अगर आगरा खारा पानी पे डिपेंड है तो आगरा के खारे पानी को शुद्धिकरण करने के लिए क्या कुछ योजना आ रही है? जी सर, खारे पानी के शुद्धिकरण की अभी योजना नहीं आ रही, बट उसकी मेरे ख्याल से सिंचाई में जो आप कह रहे हैं पानी पीने के सिंचाई के, लगभग हमारा जो मीठा पानी है या जो भी हमारे पास ग्राउंड वाटर है, हम इसको एक्सप्लॉटेशन 90% जो खेती के लिए कर रहे हैं हमारे किसान, जो पूरे पानी का 10% है पीने के लिए, बाकी कामों में यूज नहीं हो रहा। ठीक बात है, बाकी कामों में उसका यूज नहीं हो रहा, 90% सिंचाई के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, आप ग्राउंड वाटर के लिमिटेशंस हैं कि आप उसको जनपद आगरा की जहाँ तक है, तो बारिश भी यहाँ पे हमारे जो भारत की औसत वर्षा उसका आधा पानी बरसता है, वो 655 के आसपास यहाँ की औसत वर्षा है MM के आसपास, जो भारत में करीब 1190 MM है और 1200 MM के आसपास है, तो बारिश हमारे यहाँ कम है। लेकिन हमारे पास ये सुविधा है कि जैसे आप जंगनेर ब्लॉक की बात कर रहे थे, वहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहाँ हम पानी स्टोर कर सकते हैं, हमारे पास सुविधा। उटंगन नदी की बात है, उस पर टेम्परेरी चेक डैम्स की बात चल रही है, हमारा जिला प्रशासन उसका प्रयास कर रहा है कि हम उस पर छोटे पानी रोकें जो हमारा पानी बह जाता है। दूसरा, जो हमारे तालाब हैं उनके, जो हमारे गांव के तालाब बने, पहले हमारे ज़माने में हर गांव में एक तालाब होता था जहां पर पूरे गांव का पानी आता था, वो इकट्ठा होता था। हम भी बात करें उस गांव में जो सबसे निचला एरिया हो उसको, अगर वो ग्राम समाज की ज़मीन मिलती तो वहाँ पर तालाब बनाने की बात कर रहे हैं। जितनी ज़मीनें हमारे उपलब्ध हैं उसमें जो सबसे गाँव का निचला स्तर होगा वहाँ पर हम तालाब बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि देखिए, हमने बुंदेलखंड में इसके बड़े अच्छे परिणाम देखे हैं, हमारा जो खेत तालाब योजना हमारे बाकी थे उसका बुंदेलखंड में इतने अच्छे परिणाम है कि वहाँ का वाटर लेवल ऊपर आया है, वहाँ के किसान खुशहाल हुए हैं। उसको हमको आगरा में रिप्लिकेट करना है, और ऐसे ही कई हमारे अन्य ज़िले भी जहाँ पे हमारा विभाग कार्य कर रहा है उसके अच्छे परिणाम आए हैं सर। और हमारे इसके अलावा मैं बताऊँगा कि पानी जब तक आप बचाएंगे नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट हमारे पास बहुत अच्छा है, शहरों में हमारा पानी पूरा बर्बाद जाता है, हम जब तक इस शहर के पानी का रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें तो हमारे जो समर सूख रहे हैं वो नहीं सूखेंगे। हमको गांव में, आगरा की आज की एक अंदिशा है कि हमको नरौरा से पीने का पानी मंगाना, गांव के लिए मंगाना पड़ रहा है क्योंकि गांव में भी वाटर लेवल नीचे जा रहा है, पानी खारा आ रहा है। तो हम, हमारे पास विकल्प सबसे अच्छा है कि हम सबसे आसान और सबसे अच्छा विकल्प कि हम बरसात के पानी को बचाएं, हम खेत तालाब बनाएं, और खेत तालाब में आप उसके पास हमारे पास किसानों का सुविधा कि अगर आप निजी खेतों में रहना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास सुविधा है, ग्राम पंचायत विभाग जो हमारा गाँव में बनवा ही रहा है तालाब, और क्योंकि सबसे सस्ता विकल्प है सर वो पानी बचाने का। मुझे लगता है मिश्रा जी मास्टर प्लान बन रहा है, मास्टर प्लान बना हुआ है, बना हुआ है सर, हर अमृत सरोवर योजना है। 20 साल से लगातार मैं यही सुनता आ रहा हूँ कि पानी बचाने की प्रक्रिया चल रही है, पानी बचाने की प्रक्रिया चल रही है, तालाब खोदे जा रहे हैं, मनरेगा वाले काम कर रहे हैं वहाँ पर। दुनिया में 220 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको शुद्ध वातावरण पानी पीने का नहीं मिलता है, 220 करोड़ है। नहीं सर, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। आप ये मान लीजिए, मतलब ये रिपोर्ट जो आपकी है ये इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्ट की असेसमेंट का ये सेंटर की रिपोर्ट है, ये 220 करोड़, यानी कि 2 अरब 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, और इससे करीब 36 करोड़ ज्यादा ऐसे लोग हैं जो डायरिया से उनकी वो जो खत्म हो जाते हैं। नहीं, तो ये बात इस बीमारी की वजह से जो अंतर आया था, मैं ये तो पीने के पानी की बात चल रही है, अंतर आ रहा है सर इसमें। अंतर ये है कि सर अब तक जो 20 साल से चल रही थी बातें, अब हमारा आम आदमी महसूस कर रहा है, ये अंतर है, वो सेंसिटाइज हो रहा है। गाँव में आप जाएंगे बात करेंगे, समझ रहा है कि पानी की समस्या है,
और उसके अब वो सरकार की भी मदद कर रहा है। अब तक सिर्फ सरकार को एक तरफा प्रयास करने थे, अब हमारा किसान खुद प्रयास कर रहा है, वो खुद ड्रिप और स्प्रिंकलर की बात कर रहा है कि हम पानी कैसे बचाएं। सर ये सबसे बड़ी कामयाबी मानता हूँ हमारे विभाग की, हमारे सरकार की, जो है कि अब हमने जनता को भी इस तरफ लाया कि वो तैयार हो रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, वो खेत तालाब के लिए हमारे पास आ रहा सर, हमको खेत तालाब बनाना है, आप हमको सब्सिडी दीजिए, हम उसको दे रहे हैं सर। ये तो वही वाली बात है कि जो है विभाग ने, कृषि विभाग ने पहले कहा, पहले कहा कि फर्टिलाइजर यूज करिए, अब वो मालूम पड़ा मिट्टी ब्लॉक हो गई, नीचे क्लियर खत्म। नहीं नहीं सर, नहीं सर, देखिए बिल्कुल सही, आगे लौट के हम, नहीं नहीं वो सही, वो देखिए बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। देखिए क्या है कि हमने फर्टिलाइजर कहा, वो उस वक्त की डिमांड थी सर, हम अपना पेट भरने में सक्षम नहीं थे सर, हम खाली पेट हम कोई काम नहीं कर सकते थे। हमारा देश जो उत्पादन था, हम अमेरिका के गेहूं मंगाते थे और हम उसके शिकार होते थे कि भाई एक दिन शास्त्री जी को कहना पड़ा आप एक दिन व्रत रखिए, हमारे फर्टिलाइजर ने उसकी जरूरत की। फर्टिलाइजर का उपयोग खराब नहीं है, फर्टिलाइजर का अंधाधुंध उपयोग, आप उसको एक बगल में एक कट्टा आप दो कट्टा डालेंगे, ये भावना गलत है सर। फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का, चौहान साहब आपको रोकना चाहेंगे। चौहान साहब, ये मुझे लगता है कि पुरुषोत्तम जी बात कर रहे हैं कि जो है नेहरू जी ने क्या कहा था या और अन्य किसी ने क्या कहा था, शास्त्री जी ने कहा था कि जो है एक दिन देश को भूखा रहना पड़ेगा। ये 57 और 47 के बाद की बात है, ये जब देश केवल जो है लड़ाई झगड़ों से झंझट से उभर कर ऊपर आ रहा था और उसके बाद उसके पास कोई संसाधन बचा नहीं था, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो या उसके रहने की ज़मीन हो या खाने का हो या पानी पीने का हो, तब की बात थी है उस समय, क्योंकि इतना उपजाऊ ज़मीन हमारी थी जिसको अमेरिका के गेहूं ने सिर्फ जो है बर्बाद कर दिया कि अमेरिका की हम होड़ करने लग गए। गेहूं तो हमारे यहाँ था नहीं इतना, गेहूं तो अमेरिका से आया। जब अमेरिका से जब गेहूं आया तो यूरिया डाई पोटास आप यूज करिए तब गेहूं की कैपेसिटी बढ़ेगी। मैंने खुद देखा है कि गोबर की खाद लोग यूज करते थे, सिर पे उठा के लेकर जाते थे, गोबर जो बस्ता था उसके जेक इकट्ठा करते थे, उसकी खाद बनती थी, तमाम प्रक्रिया थी ऐसी और अच्छी पैदावार और ऑर्गेनिक जो है एक तरह से सिस्टम खाना लोगों को मिलता था। लेकिन आज की डेट में किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को बीमारी हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है और सब पे हावी है कीटनाशक दवाइयाँ सारी है। तो आप ये बताइए कि अभी आप कह रहे हैं कि लेयर ब्लॉक हो गई है हमारी, लेयर ब्लॉक हो गई है, ये कब पता चला लेयर ब्लॉक हो गई है? देखिए ये तो जब से लगभग आप ये मान लीजिए कि जब अंधाधुंध प्रयोग शुरू कर दिया किसान भाइयों ने, उसके बाद में दूसरा जब आप गोबर का यूज नहीं करेंगे, गोबर की खाद का कोई भी उपयोग नहीं करेंगे तो पोरोसिटी खत्म हो जाएगी। दूसरा पानी का जब लेयर से आप नीचे से पानी लेंगे तो जो सॉल्ट है वो ऊपर आएगा, जिसको हम खारा पानी कहते हैं, तो उसका भी इफेक्ट इसके ऊपर आएगा कि भाई पानी ऊपर आ रहा है, मिट्टी उसके द्वारा पूरी की पूरी खारी होती जा रही है, मिट्टी के ऊपर व्हाइट कलर का आपको सॉल्ट दिखाई देगा। दूसरा जो कितने इंची के आसपास है ये, कितने इंची के आसपास मान लें इसको, 6 इंची 8 इंची 10 इंची? हाँ ज्यादा भी है, बहुत से क्षेत्रों में ज्यादा भी है जहाँ पानी खारा है। इवन इतनी हार्ड सरफेस है कि अगर जेसीबी लगा करके अगर आप प्रयास करें उसे तोड़ने का तो टूटती नहीं है, क्योंकि कई जगह मैंने ये देखा है कि किसान भाई जब पाइपलाइन डलवाता है खेत के अंदर पानी को ले जाने के लिए, पानी का वेस्टेज रोकने के लिए, तो वो लेयर को उसको पाइप को ही उसको शिफ्ट करना पड़ता है, अन्यथा आप उस लेयर को तोड़ नहीं सकते हैं, तो इतनी हार्ड सरफेस उसकी बनी हुई है। दूसरा जो हमारा किसान है उसने एक, देखिए बहुत महत्वपूर्ण मेरी बात दिमाग में आई है, जो हमारी देसी गाय है जिस पे पूरी आधारित खेती होती थी और ये भी कहा जाता है कि एक देसी गाय से 30 एकड़ क्षेत्रफल में खेती हो सकती है, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, वो ब्रीड पूरी तरीके से हमारी नष्ट होती जा रही है, उसको लोगों ने सड़क पे छोड़ दिया, जबकि उसके बैक्टीरिया को, उसके गोबर के बैक्टीरिया को लेकर के जो वेस्ट डिकम्पोजर बनाया जा रहा है जिसको हम 20 रुपये में परचेज करके ड्रम में घोल करके तमाम प्रक्रियाएं कर रहे हैं, वो सारी की सारी बंद कर दी, वो बैक्टीरिया खेत के अंदर जाता था और जितना भी हमारा तत्व होते थे, जितने भी हमारे मिनरल्स होते थे, जो भी केमिकल्स होते थे, उनको तोड़ करके हमारे पौधे को उपलब्ध कराता था। दूसरा कंपैरिजन ये हो गया कि आगरा जनपद पूरा आलू का क्षेत्र बनता चला गया और आलू के क्षेत्र में आपने ये देखा होगा कि जो फर्टिलाइजर का उपयोग है, जो खाद, जो रासायनिक फर्टिलाइजर का उपयोग है, वो अंधाधुंध हो गया और वो लोग कोई भी जो गोबर की खाद है उसको छोड़ दिया और जो यूज भी कर रहे हैं जो किसान भाई हमारे, वो रोड के किनारे पड़े हुए गोबर को प्रयोग करते हैं जो बिल्कुल बेकार होता है, मिट्टी होती है, क्योंकि उससे जितना भी जो तत्व होते हैं वो सारे बह जाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। तो यानी कि आपने मिट्टी डाली और उसके बाद में केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिया, वो भी पड़ोसी को देख करके। हमारी भारत सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा योजना चलाई गई कि आप जो है मृदा की जाँच कराएं, उसके उपरांत ही आप मिट्टी, जो भी फसल आपको बोनी है उसको बोएं। आपने ये देखा होगा कि जितना भी क्षेत्रफल है
वो पूरा का पूरा हमारा 7-8 pH मान आ रहा है, यानी कि मिट्टी हमारी पूरी तरीके से खत्म होती जा रही है। और जो ऑर्गेनिक कार्बन है, ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में ये कहा जाता है कि 0.2 रह गया है हमारे खेती के अंदर। अगर ऑर्गेनिक कार्बन बिल्कुल ही ख़त्म हमारा होता जा रहा है तो फसलें तो बिल्कुल भी नहीं होंगी इन खेतों में, क्योंकि हमारा जहाँ ऑर्गेनिक कार्बन 0.7 रहा करता था, 0.8 तक रहा करता था, वो अब 0.2 हो गया है, जो कि पूरी तरीके से हमारा गोबर पे या गोबर की खाद के ऊपर आधारित था। ये तो ये तो यहाँ ये माना जाए कि मतलब दोहरी मार पड़ रही है जी। एक तो पानी की समस्या है ही है, ऊपर से मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी खत्म हो रही है जी, जी। तो दोनों तरफ से अगर चीजें छहट जाएंगे तो फिर कैसे होगा? क्योंकि अब आगरा देखिए, गेहूं की सबसे ज्यादा उपज गेहूं की करता है, एक आलू एक गेहूं की। तो मुझे लगता है कि कृषि में आप लोगों के शायद आलू नहीं आता, मुझे लगता है जो उद्यान विभाग चला जाता है वो। जी, जी, सर। और जो बाकी है धान तो है ही नहीं यहाँ पर, गेहूं होता है, बाजरा सबसे बड़ी क्रॉप है शायद, है ना, बाजरा और गेहूं। बाजरा और गेहूं, बाजरा चूंकि जो है लगभग 276,700 करीब 27 मैट्रिक टन आप पर ईयर का जो है इसका बाजरे का अनुमान है, जो 3 लाख मीट्रिक टन से अधिक है सर। हाँ लगभग, जो मतलब 11 के रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, 11 के रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है सब यूपी का। हाँ यूपी का रिकॉर्ड है, जबकि गेहूं की कैपेसिटी भी 2011 के रिकॉर्ड में भी वही है, काफी जो है मैं बताता हूँ, करीब 5,86,000 MT, करीब 148 है ना, ये रिकॉर्ड है इसके। लेकिन अब ये बताइए कि अगर इस तरह की मिट्टी का, सक्सेना साहब जी, जब पता चला, आप जो गवर्नमेंट जो बॉडी है उनको जब पता चल रहा है, विभाग को जब पता चल रहा है, तो आखिर इतना लेट अगर हम काम कर रहे हैं तो आने वाला समय तो ये तो मास्टर प्लान में चला जाएगा सीधा। देखिए मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा, हो सकता है शायद आपके पास सुनने के लिए टाइम कम हो, बड़ी इम्पोर्टेंट है। जी बताइए। देखिए एक तो हमें हमारा ये विंध्य पहाड़ी समूह का फुट प्लेन है आगरा में, खेरागढ़ में है, ये पहाड़ियों में पहले सीपेज भी था, धीरे धीरे इकोलॉजी अफेक्टेड हुई और ये सीपेज खत्म हुआ। दूसरा है आपके यहाँ ये जो दिल्ली से अरावली रेंज शुरू होती है वो भी आगरा से गुजरती है, तो इन दोनों को स्टडी करके दोबारा से वाटर रिसोर्सेस को हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और पशु पक्षियों का प्रेम करिए, उन्हें संरक्षित करिए, पर एक सोच लीजिए कि आप कर क्या रहे हैं, आप इंसानी जरूरत के लिए आप गंगा का पानी ला रहे हैं, और लोकल पानी को आप कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब आप देखिए घना पक्षी विहार को ले लीजिए आप, इंटरनेशनल टैग है सब है, पर किस कीमत पे है? खेती वालों का पानी आप सब डाइवर्ट करके उसमें कर देते हैं और सर्टेन लेवल तक रखते हैं। आगरे का पानी रोका हुआ है, कोनिया डैम से आप डाइवर्ट कर देते हैं, राजस्थान का बड़ा प्रेशियस पानी। फिर दूसरा आप जो गोवर्धन ड्रेन आगरा के हेड पे गिरती है जमुना में, उसका पानी आपने एक सातुर की पुलिया नाम की जगह है वहाँ से डाइवर्ट कर दिया, पंप कर दिया, वो भी वहाँ पे घना पक्षी विहार में जा रहा है, जबकि वो इतना बड़ा वाटर रिसोर्सेज है, वो पुराना यमुना का ट्रेस है जो खो चुका है, वो ओरिजिनल ट्रेस है, और कुम्हेर से आज भी उसका हेड रेगुलेटर है, काफ़ी बड़ा डिस्चार्ज आता है, आप उसे रख ही नहीं पाते, ज़मीन भी है इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास, पर उसे बेवजह खर्च होने से रोकने के लिए आपको प्रबंधन करना चाहिए। भगवान शंकर रावत जी के समय जो MP थे अपने 2-3 बार के, एक सेंट्रल टीम आई थी तब वो लेके, मुझे मैं भी था उनके संग, तो मैंने काफ़ी कहा था कि इसे रोकिए, अब शायद कोई हाथी घर बन गया, या आप जाके देखिए वहाँ पे कुछ नहीं, तो वहाँ बहुत बड़ा वो पानी का रिजर्वायर इकट्ठा हो सकता है जो जमुना में डिस्प्यूट करे। और दूसरी चीज ग्राउंड वाटर रिचार्ज करे, जिस ग्राउंड वाटर की कमी है वो जब कहीं पानी ठहरेगा नहीं तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज कहाँ से होगा आप बताइए। और विंध्य पहाड़ी समूह में तो बहुत क्षमता है, आज भी आप महेश गोयल जो पुराने MLA हैं खेरागढ़ के रहे हैं, आप उनके खेतों में जाके देखिए, उनके पर्सनल तालाब पे जाके देखिए, मेरे उत्तर प्रदेश के कई तालाब देखे हुए हैं, मेरे ख्याल से उनका तालाब राजा भैया के तालाब से ज़्यादा बढ़िया है, हैं वो खनन करते थे, बाकी उसमें गेट लगाया, इरिगेशन का पूरा चैनल बनाया, और आज उनके खेत उसी पानी से ड्रिप इरिगेशन से होते हैं। हमारे यहाँ 5 स्थानीय आगरा के लोकल कटबंध हैं पानी के, तो कहीं ना कहीं बारिश होती है भरपूर, उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। एक तो चंबल और आपके उटंगन के बीच का
है, दूसरा आप उटंगन और खारी नदी के बीच का है, तीसरा है उटंगन खारी और आगरा के यमुना के सिस एरिया का है जिसमें हम लोग रहते हैं, एक है ट्रांस यमुना का है। ट्रांस यमुना का बहुत इम्पोर्टेंट वाटर चैनल है झरना नाला, उसे हमने झरना नाला, उसमें गंगा का पानी जाता है, आप समझ लीजिए उस पर एक्वेडक्ट बना हुआ है सेपव के पास, ओवरहेड डिस्चार्ज और बिना थोड़ा सा रेगुलेट करके हम गंगा का पानी ताजमहल से 1.5 किलोमीटर डाउन में ला सकते हैं, बैराज बना रहे हैं उसके ऊपर। तो आप कर क्या रहे हैं, प्लानिंग आपकी कहाँ है, प्लानिंग रिसोर्स कहाँ है? मैं कहता हूँ ड्रोन मैपिंग करा लीजिए, आप घर बैठ के देख लीजिए आप क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, आप देखना नहीं चाहते। और जो एक बार नैरेटिव हो गया थे वो ऊपर तक चला जाता है, अब ना तो मैं जा सकता विधानसभा के पटल पे, ना आप चौहान साहब, ना डीडी साहब, ये लोग कागज ही भेज सकते हैं। तो जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं या ब्यूरोक्रेसी है उसको काम करना चाहिए। वही चीज जानना चाह रहा था जो प्लान है, जो इम्प्लीमेंटेशन है इसका, इम्प्लीमेंट कौन कराया, फिर कौन बात करेगा? सर मेरा आपसे सबसे पहला आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है, जो मेरे अधिकारी भी ये जो बैठे हुए हैं ये लोग बहुत अध्ययन कर रहे हैं सब जानते हैं, देखिए मेरा है सबसे पहले आगरा के वाटर रिसोर्सेज की ड्रोन मैपिंग कराइए, अंडरग्राउंड वाटर का तो पूरा स्टेटा मौजूद है, और कहाँ कहाँ एक्वाफायर है, एक्वाफायर के हिसाब से केंद्रीय जल आयोग के पास पूरी की पूरी डिटेल मौजूद है, और मेरे ख्याल से उसके उपयोग करने का वक्त है, उसको रखने का वक्त नहीं, क्योंकि हम जब पानी के रिसोर्स हैं और हमारे यहाँ नॉर्मल रेनिंग होती है, 5 कटबंधन जो कटबंध है हमारे लोकल, उनमें से 2 या 3 में तो होती है, और उस वो इतनी होती है जनपद के लिए पर्याप्त पानी दे दे, पर आप उसे बचा के समेट के तो रखें। और जहाँ तक गंगा के पानी का सवाल है, देखिए हमारे यहाँ गंगा का पानी बहुत समय से इस्तेमाल होता है, आगरा कैनाल चलती है, आगरा कैनाल में तमाम नाले नालियाँ आ गए हैं, पर इसमें मेन रिसोर्स गंगा का पानी है, जो हिंडन कट से ये आपके दिल्ली में जो ओखला बैराज है उसमें आता है, तब आपकी आगरा कैनाल चल पाती है, ये गंगा का पानी है। और अब ये हमारे यहाँ जो शहर में पानी पीते हैं वो भी गंगा का पानी है, आप देख ही रहे हैं, उसके भी 2 रिसोर्स हैं, एक तो आपका ये पहले से आ रहा है 150 क्यूसेक पानी, अब ये पाइपलाइन का भी पानी आ गया, फिर फिरोजाबाद भी गंगा का पानी पी रहा है, जेडा झाल से डाइवर्जन बना हुआ है लोअर गंगा कैनाल का, वो भी आप पानी पी रहे हैं, अब फिर आपका फतेहपुर सीकरी का बैराज वाला भी ये लोअर गंगा का कैनाल का पानी ओखला से पिएगा, तो अब आप कहाँ तक गंगा की भी तो क्षमता है, गंगा की क्षमता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक बात बताइए, जैसे कि अब रिसोर्स जो है प्राकृतिक के, चाहे मौसमी हो, वो भी आगरा में पर्याप्त मात्रा में है, ऐसा तो है नहीं कि कभी सर्दी बहुत हो गई है, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, या फसल नष्ट हो गई, या कभी बारिश बहुत तेज हो गई फसल ही बह गई सारी, ऐसा तो है नहीं, कंट्रोल में है, बारिश थोड़ा कम होती है, नॉर्मल होती है, सामान्य तरीके से होती है, गर्मी भी ऐसी पड़ती है, सर्दी भी ऐसी होती है, बसंत ऋतु भी ऐसी होता है। जी सर, मैं कहना चाह रहा था कि मौसम की जहाँ तक बात है, कुछ प्रभाव आगरा पे अब जलवायु परिवर्तन के साथ पड़ने लगा, जिसे इसी साल हमारा गेहूं की जो उपज है करीब 10% गर्मी की वजह से कम हो गई है, मार्च महीने में टेम्परेचर बढ़ गया है, करीब 45-46 पार कर गया मार्च में, इस बार तो टेम्परेचर बढ़ने की उपज कम हुई है, लेकिन हमारे किसान भाई काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उत्पादन की कमी नहीं है सर हमारे जनपद में। और जहाँ तक पानी की कमी, तो मैं इसमें बता रहा हूँ हमारे कुछ प्रयास कर रहा, मैं इस मौके को लेकर यूज कर बताना चाहता हूँ। एक तो हमारा लेजर लेवलर का प्रयोग है, लेजर लेवलर के प्रयोग करने के बाद आपकी सिंचाई में करीब 40-45% की सीधे बचत होती है सर। ओके। और उसके बाद हमारे पास जो और ऑप्शंस हैं, जो किसान सक्षम हो ड्रिप इरिगेशन यूज करें, मैं कहता हूँ पानी की इसमें 90-95% बचत हो जाती है ड्रिप इरिगेशन के प्रयोग से। जी बिल्कुल। और इसके अलावा स्प्रिंकलर का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत तेज हवा नहीं चलती तो उसका प्रयोग सफल रहेगा। उसके अलावा आप मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं, हमारे गुजरात और मध्य प्रदेश में मल्चिंग का बहुत अच्छा प्रयोग है, मल्चिंग के प्रयोग से हमारे फसल में कई फायदे, तो पानी कम लगता है, बीमारियां नहीं होती हैं, खरपतवार नहीं निकलते हैं, तो इसका बहुत अच्छा प्रयोग है, मल्चिंग का प्रयोग बहुत सफल रहे हैं यहाँ पे, मैंने देखा उसका प्रयोग काफ़ी कम किया जा रहा है, कुछ किसान कर रहे हैं। तो ये 2-3 प्रक्रियाएं जिससे हम पानी बचा सकते हैं, और जो पानी की सबसे बड़ी समस्या है उसको काउंटर कर सकते हैं किसान तत्काल तौर पर, व्यवस्था होगी तो तालाब बनेंगे, वाटर लेवल ऊपर आए या ना, जो भी ऊपर आएगा और हम संचन करेंगे, ये हमारे एक लंबे टाइम के यूज़ हैं। लेकिन जब तत्काल किसानों को हम इस खरीफ सीजन से पहले कह सकते हैं, लेजर लेवलर का प्रयोग कर सकते हैं, हमारे चौहान जी ने बताया, वैज्ञानिक साहब ने बताया कि हम गहरी जुताई करें,
गहरी जुताई से फायदा होता है, जमीन की वाटर रिटेंशन पावर बढ़ जाती है सर। ठीक है, गहरी जुताई के अंदर लेवलर का प्रयोग करें, जो से आपकी फसल में कई चीज़ों में बचत करेगा, कहीं पानी के खेत में भरेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे गहरा तो वहाँ पानी फसल खराब होती है, खरपतवार ज़्यादा उपजते हैं, उसकी बचत होगी। तत्कालिक तौर पर जो किसान कर सकता है इस खरीफ सीजन से पहले, मैं यही कहूँगा कि लेवलर प्रयोग करें, हो सके संभव हो तो ड्रिप और मल्चिंग का प्रयोग करें, ये दोनों आपके उत्पादन को 10 से 15% बढ़ा देंगी और आपके पानी की खपत को 70 से 80-90% तक ड्रिप इरिगेशन कम कर देता है सर। एक सवाल ड्रिप सिस्टम पे आप जी सर आप बोलिए। आप एक और मैं कह रहा था कि जो गोबर की बात है, हम देखकर विभाग ने फर्टिलाइजर का प्रयोग जरूर कहा, लेकिन ये कभी नहीं कहा गोबर का प्रयोग कम कर दिए, ये कभी नहीं कहा गया है। गोबर की बात जो ऑर्गेनिक कंटेंट है जो 0.2% में हमारा एक बहुत बड़ा अभियान चला मृदा परीक्षण का, उस मृदा के स्वास्थ्य को चिंता को देखते हुए चला था, हमने सभी के किसान के खेत की मिट्टी को टेस्ट करके हमने उसको रिजल्ट बताया और कार्बन कंटेंट आया 0.2 to 0.4% ऑल ओवर इंडिया जो हमारे जिले में आया हुआ है। गोबर एक ऐसी चीज़ है जो उसको बढ़ा सकता है, अगर हम उसका प्रयोग वर्मी कंपोस्ट की तरह करें तो, जो सड़क के उठाकर फेंकना नियम को उसको रखना है 15 दिन एक ढक के रखना है, उसके बाद हमको खेत में डालना है, तो जब ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा तो अभी पानी की सोखने की क्षमता को बढ़ाएगा। जो सिंचाई आपकी 4 दिन 5 दिन काम करती है वो आपकी 8 से 10 दिन तक काम करेगी एक सिंचाई, तो पानी बचाने के ये बहुत बड़े तरीके हैं। और पानी की सबसे बड़ी समस्या रही है जो आच्छादन भी हमारे यहाँ कम हो रहा है खरीफ में, हमारे यहाँ आलू के किसान हैं वो खरीफ में पूरी फसल छोड़ देते हैं, वो कुछ ना करें, बट ढांचे का प्रयोग तो कर ही लें वो लोग। ढांचे का प्रयोग करेंगे तो आपको खाद कम डालनी पड़ेगी, यूरिया कम डालना पड़ेगा, पेस्टिसाइड आपका कम डालना पड़ेगा, चीजें होंगी उसमें सर, इन चीज़ों का प्रयोग जरूर करें किसान भाई, मैं ये कहूँगा। ड्रिप आप कुछ पूछ रहे थे, ड्रिप सिस्टम पर बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप एक मेड़बंदी वाले फसल जो है या सब्जी है या जिसकी डिस्टेंस है उसमें तो ड्रिप आप सिस्टम कर सकते हैं, लेकिन अगर गेहूँ और धान की खेती करना होती है बिल्कुल संभव है सर, हो रही है सर, किसान गन्ने में और क्या कहते हैं धान में। नहीं, गन्ना तो देखिए कम पानी मांगता होगा। नहीं ऐसा नहीं, गन्ना सबसे ज्यादा पानी मांगने वाली फसलों में से एक है सर, गन्ना साल भर में और सबसे ज्यादा पानी डिमांड करने वाली फसलों में, धान के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा पानी मांगती है तो गन्ना है सर। तो मैं ये तो करूँ, गन्ना में हम क्या करते हैं फ्लड इरिगेशन करते हैं, ड्रिप हमारा उस पर जड़ पे गिराएगा, जो ज्यादा पानी मांगता है ड्रिप उसमें सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पानी वहीं पे बचाएगा। नहीं, क्या अभी धान की खेती, धान की खेती में आप साउथ इंडिया में जाइए और ड्रिप इरिगेशन से ही धान की खेती हो रही सर, ड्रिप सफल है उसमें। गन्ना तो मजबूत पौधा है, वो तो जो है झेल जाता है, नहीं सर धान की गर्मी में हो रही है, इसके अंदर इतने धान पावर होते हैं, इतने सारे रस होते हैं, तो झेल जाता है। बिल्कुल सर, आपको बताएंगे, मुलायम होता है गेहूं और ये धान का पौधा मुलायम होता है। बिल्कुल सर, सफल है सर ये धान की खेती में, और आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो धान की खेती काफी सफल है, बहुत सफल है ड्रिप यूज होने लगा। बिल्कुल सर, अब तो ड्रोन भी आ रहा है आपके जिस खेतों में आप घुस नहीं सकते, तो छिड़काव कर सकते हैं। चौहान साहब बताएंगे कितने इंच तक पानी जो है धान के उसमें और गेहूं के फसल में, कितने इंच जड़ तक जाए तो ये कारगर होगा, जैसे ड्रिप सिस्टम है वो ज्यादा तो गीला करेगा नहीं, छोटा बाहर के एरिया छोड़ देता है, बाकी जो ऐसी बारिश होती है जो पानी लोग ट्यूबवेल से चलाते हैं तो पूरा खेत भरता हुआ जाता है एक तरफ से, वही सिस्टम भी अभी भी चल रहा है। देखिए उसमें दो चीजें हैं, अभी डीडी साहब बता रहे थे, एक तो स्प्रिंकलर मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं है। और दूसरा रेन गन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। रेन गन के अब थोड़े से परिणाम ये देखने में आ रहे हैं कि ज्यादा पानी को थ्रो करता है, लेकिन स्प्रिंकलर जो है आपने देखा होगा कि जो लोन वगैरह है उनमें आपने लगा हुआ देखा होगा, वो तो पानी की थोड़ी मात्रा इससे ड्रिप से तो ज्यादा लेता है, लेकिन यह है कि स्प्रिंकलर मेथड के द्वारा अब ज़्यादातर फसलें की जाने लगी हैं और इसका ही प्रयोग किया जाने लगा है। और दूसरा, अब नई टेक्नोलॉजी भी जनपद आगरा के अंदर बहुत आपको देखने को मिलेगी, इस समय पॉली हाउस का जो डेवलपमेंट है वो पूरे जनपद में देखने को मिल रहा है, किसी भी 2-4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे अगर आप चले जाएं तो पॉली हाउस आपको लगे हुए मिलेंगे वहां, और उसमें बहुत अच्छा वो वेजिटेबल का और वेजिटेबल्स जनरली और फ्रूट्स का जो है वो पैदावार कर रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि पूरी एक बेल्ट जो है यमुना के किनारे हमारी जो है किन्नू की डेवलप हो गई है, तो जो हमारे मेन यहाँ की फसलें हैं जिसमें फ्रूट वाली फसल हैं, जिसमें बेर है, अमरूद है और आपका बेल पत्र है, ये बहुत ज़्यादा, और इसके साथ साथ अब किन्नू सिट्रस क्रॉप जो है आपने नींबू का भी देखा होगा बहुत डेवलप हो गई है, ये कांटे वाली फसलें होती हैं और जीरो फाइट प्लांट होते हैं, इनको बहुत कम पानी की जरूरत होती है। दूसरा, यदि हम इस तरीके की फसलें लेंगे तो उसके नीचे जो हम कोई भी क्रॉप अगर लेते हैं, हल्दी लेते हैं, अदरक लेते हैं, क्रॉप शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम किसी एक ही फसल के ऊपर डिपेंड रहें, जैसा कि डीडी साहब ने बताया कि आलू जनपद में करने के बाद में जो हमारा खंदौली क्षेत्र का या जो आलू का किसान है वो कोई भी फसल बोना नहीं चाहता, इवन वो ढेंचा भी बोना नहीं चाहता, जबकि ढेंचा अगर वो बोएगा तो खेत की उर्वरता बढ़ेगी, खेत की जो आपकी जो क्षमता है ऑर्गेनिक कार्बन की वो बढ़ जाएगी,
पीएच मान कम हो जाएगा, क्योंकि अगर ढेंचा अगर आप बोते हैं तो पीएच मान को बहुत तेजी के साथ में नीचे लाता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और जनरली जो पानी की जो चर्चा हो रही है उसमें आपने देखा ही है कि पानी की बचाव के लिए तो यही तकनीकें हैं, मल्चिंग करिए, स्प्रिंकलर मेथड करिए या रेन गन का प्रयोग करिए। इसके अलावा कोई ऐसा अभी टेक्निक नहीं है जिसके माध्यम से हम लोग, ड्रोन टेक्नोलॉजी जरूर बिल्कुल नई है और ये भी देखने में आ रहा है कि अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी का केवल स्प्रे में ही प्रयोग ना करके हम लोग जो बहुत सारी फसलें हैं उनमें नमी का जो कंडीशन है वो बनाए रखने के लिए भी उसका ड्रोन का हम उपयोग कर पाएंगे। तो पानी की बहुत कम मात्रा में, क्योंकि ड्रोन पूरी मैपिंग करता है, पूरे सिस्टम से चलता है, पूरी टेक्नोलॉजी बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी है जो विदेशों से हमारे यहाँ पूरी मौजूद है। और निश्चित रूप से दवा का जो उपयोग, हम लोग कैंसर की आपने बात की, बीमारियों की बात की, वो सारी की सारी भी नियंत्रित होंगी, क्योंकि जिस समय स्प्रे किया जाता है ड्रोन के द्वारा, स्प्रे आप 2 किलोमीटर दूर तक भी खेत में कर सकते हैं, तो आपको उस केमिकल्स के टच में बिल्कुल नहीं आएंगे। और दूसरा, जो केमिकल सामान्यतः पीठ पे बांध करके हमारा किसान भाई करता है, उसकी सांस, उसके सांस के माध्यम से केमिकल जाते हैं, पीठ के संपर्क में आने से केमिकल जाते हैं, बहुत सारे केमिकल बॉडी के अंदर जाते हैं। इवन ये भी देखने में आया है कि अगर ज़्यादा मात्रा में केमिकल का प्रयोग हाथों से भी कर ले तो वो केमिकल्स उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिससे कैंसर जैसे घातक रोग हो रहे हैं। तो ड्रेन टेक्नोलॉजी पानी के साथ में, आपके रसायन को छिड़कने में, आपकी जितनी फफूंदी नाशक है उनको छिड़कने में, और बहुत आसान 10 से 12, और क्वांटिटी को कम करने में, यानी कि जो हमें 1 लीटर मात्रा चाहिए वो आपकी 100-150 ml के अंदर उसका स्प्रे हो पाएगा। तो नई तकनीक है और निश्चित रूप से जी। तो ये बताइए कि उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए, जैसे आपने कहा कि एक जैविक, एक गोबर की खाद का यूज हो, और केचुए को बढ़ाने के लिए क्या कुछ तकनीकी, वही सर गोबर की खाद, देखिए ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और मैं बताना भी चाह रहा था कि अब हमारा जो देश है वो ऑर्गेनिक को छोड़ करके थोड़ा सा नेचुरल फार्मिंग की तरफ जा रहा है, और नेचुरल फार्मिंग इस समय बहुत डेवलप हो रहा है। नेचुरल फार्मिंग बहुत आसान भी है, उसमें केवल देसी गाय का, आपके देसी गाय के गोबर का, गौमूत्र का आपको उपयोग करना है, और बहुत आसान है। बहुत सारे लोगों ने इसको अपनाना शुरू कर दिया है और उससे भूमि की उर्वर क्षमता भी बढ़ रही है, उसके द्वारा जो प्राप्त उत्पाद हैं वो भी आपके केमिकल फ्री होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे कंसाइनमेंट हमारे फेल हो जाते हैं, विदेश जाते हैं, उनमें केमिकल्स वगैरह मिलते हैं तो वो फेल हो जाते हैं, वो भी बहुत आसान हो जाएगा। हमारी मधुमक्खियाँ जो केमिकल्स की वजह से डिस्टर्ब होती हैं, जब वो रस अच्छा लेकर के आएंगी तो हमारे शहद का जो चारा हमारा पशु खाएंगे उसके दूध में, ये सारी चीज़ें जो है लाभ होगा। और नेचुरल फार्मिंग का सबसे अच्छा जो 2-3 चीज़ें हैं, बीज अमृत, घन जीव अमृत, और ये सारी बनाने की ज़रूरत है, जिसकी तकनीक अब कृषि विज्ञान केंद्र के पास भी उपलब्ध है और हम लोग इसी पर प्रशिक्षण करने जा रहे हैं। और जो क्षेत्र अब नेचुरल फार्मिंग करेंगे वो कामयाब भी रहेंगे, और किसान भाइयों को यही मैं सलाह दूंगा कि वो लोग कृषि विज्ञान केंद्र से भी जुड़ें और इस सूचना को लेकर के और हमारे पास आकर के उस तकनीक को भी सीखें। सक्सेना साहब, इसको नेचुरल फार्मिंग कहें या फिर इंडियन मतलब कल्चर कहें, एक तरह से, क्योंकि दो चीजें हैं। देखिए फॉरेनर जो यूज करते हैं वो फर्टिलाइजर्स यूज किया, उन्होंने इंडिया में भेज दिया कि आप लोग खाइए उसको, अनाज उगाइए और बेचिए और फिर बीमार हो जाइए, डॉक्टर पास चले जाइए। नेचुरल फार्मिंग है या फिर इंडियन कल्चर द्वारा हम लोग एक्सेप्ट करने जा रहे हैं, चूँकि बाहर की जो सिस्टम थे उसको हम अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, हटा रहे हैं उसे। देखिए हमारा क्षेत्र ब्रज क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जी ब्रज का शाब्दिक अर्थ है तबेला। तो जब तबेला होता है इसका अभिन्न भाग होता है चरागाह। अगर आपको ब्रज संस्कृति के हिसाब से ज़िंदगी जीनी है और ब्रज संस्कृति के हिसाब से रहना है और पशुपालन को एफोर्डेबल बनाना है, तो आपको ग्राम भूमि पे बने चरागाहों को संरक्षण देना पड़ेगा, उन तालाबों को संरक्षण देना पड़ेगा, पोखरों को खास करके, जहाँ भैंसें घूम सकती हैं, क्योंकि छोटे फार्मर के पास केवल बांध के रखने के अलावा कुछ नहीं है। इसमें दुग्ध की क्षमता कंपैरेटिवली कम होती है। कृषि विज्ञान के हमारे चौहान साहब ज़्यादा बता सकते हैं कि पशु को निश्चित रूप से जाना भी पड़ता, आना भी पड़ता पानी पीने, वो तभी संभव है जब आपके चरागाह और आपके पोखरें सुरक्षित रहें। और हमारे यहाँ ब्रज संस्कृति है, इसमें पशुपालन हमारा अभिन्न अंग है, एक तो ये है। दूसरा, इरीगेशन पर मैं एक चीज़ और आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आप कभी यमुना एक्सप्रेस वे से निकलते हैं,
यमुना एक्सप्रेस वे ऐसे निकलते हैं, दूसरा NH2 जो अब शायद NH14 के नाम से है, इनके बीच में बहुत बड़ा लैंड एरिया एग्रीकल्चर का, कभी दलहन हुआ करती थी, अब और चीज़ें होने लगी हैं, ठीक है। यहाँ जब बैराज की बात आ रही थी कि एक अप स्ट्रीम में बैराज बने, तो बोले कि हम कैसे चलाएंगे, क्योंकि इरिगेशन वाले बोले जब तक नहरें नहीं निकलेंगी हम नहीं, नगर पालिका खर्चा मैन करे या जो भी करे। तब बातचीत करके बड़ी मुश्किल में तय हुआ कि आप स्प्रिंकलर कमांड सिस्टम बनाइए, ये अफोर्डेबल भी है, इसकी भी कॉस्ट कम आती है, और पानी कम पानी में इरिगेशन ज़्यादा, उसकी स्कीम भी बनवाई मैं आपको बताऊँ इरिगेशन डिपार्टमेंट से। जब तक मैं लिखा पढ़ी करता रहा तब तक तो ये काम चलता रहा और स्कीम भी फॉरवर्ड होके गवर्नमेंट तक गई। अब इसके बाद भगवान भला करे कहाँ है, पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्प्रिंकलर कमांड सिस्टम की। आप कोई जलाशय बना लीजिए, वहाँ से स्प्रिंकलर कमांड सिस्टम कर दीजिए, तो बहुत बड़े एरिए में जरूरत का पानी कम पानी में बहुत बड़ी सिंचाई की जरूरत पूरी हो सकती है। शायद मेरे पे अगर पुराने कागज देखूं कहीं मिल भी जाएगी, पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्कीम है और ये स्प्रिंकलर कमांड सिस्टम जरूर होना चाहिए। ये आसानी से, ये मेरे ख्याल से 6 किलोमीटर की बेल्ट है जिसमें बम्पर क्रॉप हो सकती है, क्रॉप का नया कल्चर हो सकता है। आप कभी एरियल सर्वे हो तो आप देख के आइए, कभी एक गवर्नमेंट से कोशिश कीजिए आप सबको इकट्ठा करके हेलीकॉप्टर से या घुमाए दिखाए, तो आप लोग तमाम निर्णय खुद बहुत बढ़िया ले लेंगे। इन सब जगह के आप निर्णय करके आइए, देख के आइए, तो आप टेबल पे बैठ के आप बहुत दिनों तक अच्छे निर्णय ले जाएंगे, बहुत बड़े इम्पोर्टेंट फुट नोट दे जाएंगे आगे के लोगों के लिए। एक सवाल रिकॉर्ड नहीं है तो कहाँ से करेंगे। एक सवाल यहाँ आ रहा है जी, सवाल ये है कि बार बार हम पशुओं पर निर्भर होते जा रहे हैं जी, और इंसानों की पशुओं की दोस्ती हमेशा रही है जी, बिना उसके नहीं चलता जी। अब सवाल यह है कि चारागाह की बात हुई, आपने कहा बिल्कुल सही है कि चारागाह होना बहुत ज़रूरी है। चारागाह किसी के पास है नहीं तो गाय भैंस पालेंगे कहाँ से? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि गोबर आएगा कहाँ से। अगर आपने गाय के अगर डिमांड की कि गाय का गोबर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सरकार इसके लिए क्या कुछ प्लान दे रही है कृषि विभाग में कर रही कि गायों का पालन हो? और अभी जो प्लान है जो अभी आया गौशाला खोली जाए उसमें 100 रुपये पर डे के हिसाब से या 30 रुपये पर डे में क्या करेगा? हम बता रहे हैं सर, उसका उसकी योजना चल रही है सर। उसमें एक तो हमारे जितनी गौशालाएं बन रही हैं सब में हम 30 रुपये प्रतिदिन की सरकार सहायता दे रही है। उसके अलावा हमारे जनपद में जितनी भी चरागाह की भूमि है उस पर हम सर नेपियर ग्रास लगा रहे हैं। जितनी भी हमारी चरागाह की भूमि जो भी कब्जे में है प्रशासन उसको कब्जे से मुक्त करा के उस पर नेपियर ग्रास लगवा रही है। और एक हमारी एमपी चरी आती जो है वो दोनों लगा रही है। उसमें क्या है कि एक बार आप लगा देंगे तो 5-6 साल तक वो भरपूर चारा आपको देती रहेगी। और उससे जो हमारे 30 रुपये के बाद जो हमारा शॉर्टफॉल पड़ता है चारे की व्यवस्था में, हम उसको चरागाह की जमीन पर नेपियर ग्रास की खेती करके पूरा कर रहे हैं सर। तो ये सरकार की योजना है। और जितने भी चरागाह हमारे जनपद आगरा में भी काफी बड़े एरिया में नेपियर ग्रास की खेती शुरू हो गई सर। कुछ किलोमीटर विकसित किया है, कुछ जगह एरिया को चिन्हित किया। हाँ सर, ये अभी तुरंत हमारा शुरू हुआ है और हमने करीब करीब अभी इसके से 1-2 महीने पहले हमारे प्लान शुरू हुआ है। और चूंकि अभी जो सीजन चल रहा है ये नेपियर ग्रास लगाने के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है, फिर भी हमने करीब 35 से 50 हेक्टेयर हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया इस चीज़ को। और आगे जितनी भी हमारी चरागाह की जमीनें जनपद में हैं उसको हम उस पर नेपियर ग्रास की खेती करवा रहे हैं सर। और तो एक बात मैं और कहना चाहूँगा इससे पहले जब छूट जाएगी बात, जो आपने कहा था कि ये वो नेचुरल फार्मिंग है या भारतीय है जी जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा भारत सरकार ने नेचुरल फार्मिंग की स्कीम का जो नाम रखा है वो नाम है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। वो हमारी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है जिसमें एक गाय से हम 5 एकड़ की खेती कर सकते हैं। वो बीजा जो भी हमको उसमें कुछ भी बाहर से नहीं लाना है। हमारे घर पर गुड़ होता है, हमारे घर पर बेसन होता है, हमारे घर पर दाल होती है, हमारे घर पर गाय मूत्र है। उसके लिए हमारा नारा है कि ये भाई हर किसान खेत पर रहे, एक गाय उसके पास रहे और उस गाय का गोबर फेंका ना जाए, गौमूत्र बहने ना पाए, इसका पूरा उपयोग हमारी खेती में हो, तभी जो आप कह रहे हैं उसका ह्यूमिक कंटेंट बढ़ेगा और हम जहर से मुक्ति की तरफ चल रहे हैं। ये हमारा विभाग की प्रयास ये रहा है, देश की जो जरूरत हम उसी में सहयोग करें। पहले हमारे फर्टिलाइजर की जरूरत थी, आज भी मैं फर्टिलाइजर के बारे में इतना कहना चाहूँगा जो मात्रा उसके लिए अनुमन्य की गई है आप उसका प्रयोग करें तो आपकी सेहत को और आपके खेत को नुकसान नहीं पहुँचाएगा वो।
ये मैं कहना चाह रहा हूं। नहीं तो ये माना जाए कि अब एक एक किसान को कंपलसरी हो जाए कि गाय भैंस पालना जरूरी हो गया है। नहीं, देखिए हम थोप नहीं सकते लेकिन कोई चारा तो है नहीं, हम थोप नहीं सकते लेकिन थोप नहीं सकते लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ जो किसान घर पे गाय रख के खेती करेगा वही खेती में सफल होगा आगे आने वाला समय। ये संभव ही नहीं कि मेरा देखिए बिल्कुल जो योजनाएं चली बड़ी मेरे को तो कई चीजें नई जानकारी मिली मेरे को तो बड़ा खुशी हुई। अच्छा पर एक चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि गौ पालन या पशुपालन कुछ भी कह लीजिए ये कम्युनिटी प्रोजेक्ट के रूप में लेना चाहिए, नवार्ड के रूप में लेना प्रयास है। हमारी जो गौशालाएं हैं वो ये काम कर रही हैं। अब ये जब आप कम्युनिटी लेवल पे काम करेंगे, आपके शहर में दोनों तीनों प्रयोग हुए, जैसे सबसे पहला प्रयोग हुआ कम्युनिटी डेयरी फार्म जो खत्म हो गया है, दूसरा कम्युनिटी पशुपालन हुआ दयालबाग में, दयालबाग डेयरी आज भी फेमस है, वहाँ जाके देखिए वो लोग बहुत प्रयोग करते हैं, वो लाभकारी नहीं है, वो अफोर्डेबल कॉस्ट पे करते हैं, उनके चरागाह वगैरह सब नदी किनारे भी है उनका, नहीं अब वो उनका अपना मैकेनिज्म है उसका, पर वो स्थिति कहीं पे भी पैदा हो सकती है अगर कम्युनिटी लेवल पे प्रयास किया जाए। उनकी कम्युनिटी है अपनी, वो हो रहा है डेडिकेटेड। आगरे में व्हाइट फ्लड स्कीम लागू हुई है, आपको विनोद कुमार दीक्षित जी जिला अधिकारी आगरा थे उस समय ये स्कीम लागू हुई और बहुत बड़े वेल्ट में इन्होंने ये पशुपालन को बहुत रियायत दी। अब हमारे गवर्नमेंट का सिस्टम है डेयरी वाला, वो मेरे ख्याल से वो उसको नहीं कर पाए, उन्होंने प्राइवेट उनको वहाँ से प्रीमियम पे आधार पे परमिशन कर दी। अब जो भी है मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, पर ये कम्युनिटी प्रोजेक्ट है, आप दो गाय या एक गाय रख के ये अफोर्डेबल नहीं है, आपको कम्युनिटी लेवल पे मिल्क कलेक्शन मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। और जो आप डेयरी बाइंड अप करते जा रहे हैं कोऑपरेटिव हो चाहे कम्युनिटी डेयरी, आपको इन्हें शेल्टर देना पड़ेगा। आपके पास उदाहरण है, गुजरात वाले भी आगरा में बेच रहे हैं, राजस्थान वाले भी आगरा में बेच रहे हैं और हमारा दूध कहीं नहीं है, हमारा टैंकरों में जा रहा है, मदर डेयरी पर जाके खड़ा हो जाता है और सब दिखाता है। हमें भी अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। नहीं तो अब तो ऐसे लग रहा है कि मिश्रा जी के कहने पे ऐसे लग रहा है कि हर किसान को दोबारा से जो कमर कसनी पड़ेगी और एक एक गाय भैंस पालनी पड़ेगी तभी गोबर की उत्पत्ति हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो चूंकि ट्रैक्टर सिस्टम हो गया सारा और टेक्निकल चीजें तकनीकी सिस्टम सर, जो खेती है हमारी आदत बिगड़ी, पहले हम खेती बाड़ी कहाँ करते थे, अब हम केवल खेती कह रहे हैं। जी जी, तो बाड़ी के बिना हमारी खेती अधूरी हो गई, इसका दुष्परिणाम आ रहा हमारे सामने। ये चरागाह नहीं है हमारे यहाँ, चरागाह नहीं, देखिए न्यूजीलैंड वगैरह में पूरे पूरे जो है कई कई बीघे में कई किलोमीटर में चरागाह है। हम अच्छा ये बताइए, एक एक सवाल आ गया कि जो आप अभी चरागाह की बात कर रहे हैं, हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ये इसमें कितने जो है मतलब मवेशियाँ एक साथ अगर खाती हैं तो कब वो डेवलप होगा, दोबारा कब होगा वो? नहीं सर, हम जो हमारी योजना है वहाँ पे चारा जानवर नहीं भेज रहे सर, हमारी जो गौशालाएं हमारी बन रही है जहाँ हम गाय रख रहे हैं उनको चारा नहीं दे पा रहे हैं, 30 रुपए जो हमारा शॉर्टफॉल आ रहा है उसको वहाँ से पूरा कर रहे हैं, वहाँ ट्रांसफर करेंगे। जी सर, वहाँ ट्रांसफर करेंगे। जी सर, और एक बार निपरेगा लगाने 5 साल लगातार चलती है वो, और उसके रिप्लेसमेंट द्वारा फिर लगाते हैं। अच्छा एक आखिरी सवाल और है आप लोगों से, चूंकि मिट्टी हमारे यहाँ कई तरीके की है, आगरा में 4-5 तरीके की मिट्टियाँ हैं, कहीं जलोढ़ मिट्टी है, कहीं जो है बलुई मिट्टी है, कहीं मटियार है, तो सबसे ज़्यादा पैदावार कौन सी उसमें होती है? दोमट मिट्टी के अंदर, दोमट और बलुई दोनों मिला के दोमट मिट्टी सबसे अच्छी है सर, जैसा बताया होता है। दूसरा ऑर्गेनिक मात्रा तो होनी चाहिए, आयरन कंटेंट जो होना चाहिए वो होना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी की अब कोई भी फर्टिलाइजर का प्रयोग मिट्टी की जांच के बगैर तो कर ही नहीं रहे हैं। मिट्टी की जांच करिए, उसी के अकॉर्डिंगली आप जो भी फर्टिलाइजर है वो यूज़ करिए। यहाँ मैं ये और बताऊंगा, नेचुरल फार्मिंग की जो बात हो रही है तो ऑर्गेनिक में तो ये समस्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत सारे गोबर की मात्रा चाहिए, बहुत सारा आपको जो है FYM चाहिए, लेकिन नेचुरल फार्मिंग में इतनी गोबर की आवश्यकता नहीं होती है। 5 किलो गोबर में आप 1 एकड़ के लिए तैयार कर सकते हैं। 5 लीटर गोमूत्र चाहिए, उसमें 2 किलो गुड़ चाहिए, 1 किलो आपको उसमें बेसन डालना है और वो 5 से 7 दिन में जो लिक्विड है वो तैयार हो जाता है और उसको 200 लीटर तक बना करके आप लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो मिक्स वेजिटेबल वाला सिस्टम हो गया, बहुत सारी चीजें इसमें सिस्टम है, बीजामृत बोलते हैं। हां, बीजामृत बोलते हैं, इस तरीके का वो बना करके आप कर सकते हैं। जी 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 जी, तो उसमें इतनी, चूंकि ऑर्गेनिक की बात अब धीरे धीरे खत्म हो रही है ना, ऑर्गेनिक में तो पूरा ही आपको गोबर की खाद का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन इसमें नहीं करना पड़ेगा। जानवर तो अब रहे नहीं चौहान साहब, जानवर तो रहे नहीं और ना ही कोई पालना चाहता, चूंकि
काफ़ी महंगा हो गया, और जो खेती भी थी लोगों के पास, ज़मीनें जो थी कंक्रीट में काफ़ी बदल दिया लोगों ने, जिनके पास सिस्टम नहीं रहा, रिसोर्स नहीं रहा, उन्होंने ज़मीन बेच करके मकान बनवा दी या तो कॉलोनी कटवाने के लिए ज़मीन दे दी अपनी अपनी। आगरा मुझे लगता है कम से कम जो है 25,000 हेक्टेयर के आसपास ज़मीन जो है कंक्रीट में तब्दील हो चुकी है, बिल्कुल जो कृषि योग्य ज़मीन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चौहान साहब स्टूडियो में आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी इस चर्चा में शामिल हुए। राजू सक्सेना जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके बता दें कृषि के साथ मिट्टी और पानी का सबसे बड़ा तालमेल है। एनवायरनमेंट अच्छा है लेकिन पानी खारा है, पानी खारा होने की वजह से यहाँ पर कृषि योग्य जो ज़मीन है वो भी बंजर में तब्दील होती जा रही है। रही कृषि जो कसर थी वो फर्टिलाइज़र ने पूरी कर दी है, जिस विभाग ने कभी आज की 40-50 साल पहले लागू किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होगी तो हिंदुस्तान का पेट पल सकेगा। लेकिन आज आवश्यकता ये है कि ऑर्गेनिक खेती की, जिसमें कि गोबर की खाद का सबसे ज़्यादा प्रयोग हो। लेकिन अब समस्या इस बात की है कि जानवर तो बहुत ज़्यादा रहे नहीं, पशु रहे नहीं लोगों के पास में। अब इसका प्लान सरकार फिर से तैयार कर रही है। इसके साथ अगर जानवर की बात आती है, पशुपालन की बात आती है, तो चारागाह की दिक्कत होती है, क्योंकि लोगों के पास खेत जो थे वो कंक्रीट में तब्दील होते जा रहे हैं। डार्क जोन में आगरा घोषित हो गया है, 15 ब्लॉक हैं यहाँ पर, केवल अगर चंबल नहीं हो तो शायद वो भी इसी में चला जाए। जितने रिसोर्स राजीव सक्सेना जी ने बताया उस पर अगर अमल किया जाए, या आगरा के लोग, आगरा के जनप्रतिनिधि अगर उस पर अमल करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स अमल करते हैं, तो उम्मीद है कि आने वाला फ्यूचर आगरा का बेहतर होगा, अन्यथा अकबर के शासनकाल जैसा ही हालत होने में देर नहीं लगेगी। आज इतना ही, कल फिर हमारी आपकी मुलाकात हुई कुछ नए प्रोग्राम के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।